गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम वर्कशीट 3 का डी और ई करने वाले हैं। पिछले वीडियो में या फिर पिछले क्लास में हमने ई बी और सी किया था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इन, ऑन, अंडर, नियर। इन, ऑन, अंडर, नियर ये प्रीपोजिशंस वर्ड है, मतलब जगह चूज करता है, जगह बताता है। तो इसको हम यूज़ करके यहाँ पे पिक्चर दिया गया, उसको देख के यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इन ऑन अंडर नियर का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, जो अभी तक नहीं देखा देख सकता है। तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं समझा रही हूँ, बस क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। द क्लॉक इज डैश द वॉल, क्लॉक वॉल पे है तो ऑन द वॉल। द बॉल इज डैश द टेबल, बॉल नीचे है, अंडर द टेबल। द कैट इज डैश द आर्म चेयर के साइड में है, पास में है, नियर। द कारपेट इज डैश द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। द फ्लावर्स आर डैश द वास, इन द वास, वास के अंदर है। द लैम्प इज डैश द टेबल, लैम्प कहाँ पे, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। ओके, देन नंबर ई, री राइट दिस पैसेज इन योर नोट बुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ये जो पैसेज दिया है इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। मैं यहाँ पर जगह नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर लिख दे रही हूँ। ओके, तो कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगाना है उसको देख के लिखना है। ओके, जैसे ये माई फैमिली, माई का एम कैपिटल होगा, फैमिली एंड आई कैपिटल होगा। वेंट टू गोवा कर जी फॉर ए हॉलीडे, फुल स्टॉप होगा यहाँ पे। ओके, वी, ये वी भी डब्ल्यू कैपिटल। वेंट देयर विथ माई आंट एंड अंकल एंड माई कजिन, टीना का टी एंड तरुण का टी, देन फुल स्टॉप। ओके, फिर वी का डब्ल्यू, वी लिव्ड इन ए होटल नियर द सी, देन फुल स्टॉप। वी वेंट, वी का डब्ल्यू, वेंट ऑन ए बोट राइड ऑन द सी, देन फुल स्टॉप। देन आई, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, देन फुल स्टॉप। फिर आई का आई, इट का आई, इट वॉज अ लवली हॉलीडे, देन फुल स्टॉप। डू का डी, डू यू वॉन्ट टू गो पुरी विथ अस दिस विंटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे जगह नहीं होगा बोल के, मैं बस जो सा कैपिटल लेटर होगा या फिर फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क होगा मैं उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिख दी हूँ। आपको इसको कॉपी में करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।